करीना नहीं बल्कि भूमिका चावला थी जब वी मेट के मेकर्स की पहली पसंद। भूमिका से छीनकर बेबो को दिया गया था गीत का रोल। 16 साल बाद फिल्म से रिप्लेस होने पर छलका भूमिका का दर्द। जिस फिल्म के सेट पर खत्म हुआ था शाहिद कपूर और करीना कपूर का रिश्ता, उस फिल्म में कास्ट होने वाली जोड़ी ही कोई और थी। साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट ने फैंस के दिल में इस कदर अपनी जगह बनाई कि फिल्म के मेकर्स ने 16 साल बाद एक बार फिर इस फिल्म को री रिलीज किया था। वहीं फिल्म में कास्ट की गई गीत और आदित्य कश्यप की जोड़ी, जिसने हर किसी को प्यार का एक अलग नजरिया दिया, उस जोड़ी का किरदार करीना शाहिद को नहीं बल्कि इंडस्ट्री के दो जाने माने स्टार्स को ऑफर हुआ था। गीत और आदित्य कश्यप के किरदार से फैंस को कपल गोल्स देने वाली जोड़ी का किरदार करीना शाहिद को नहीं बल्कि बॉबी देओल के ऑपोजिट तेरे नाम फेम भूमिका चावला को दिया गया था। लंबे समय बाद भूमिका चावला सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आई हैं। भूमिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कितना बुरा लगा था जब उन्हें जब वी मेट से रिप्लेस किया गया था। भूमिका ने हाथ से निकली अपनी इस फिल्म और फीलिंग्स को लेकर एक चैट शो पर बात की है। चैट शो में भूमिका से उनके करियर से जुड़ी कोई दो यादगार बातें शेयर करने को कहा, जिस पर एक्ट्रेस ने याद करते हुए कहा कि कैसे वो इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म का हिस्सा बनने से रह गई। भूमिका ने बताया कि वो ऑलरेडी इस फिल्म को साइन कर चुकी थी जिसमें उन्हें बॉबी देओल के ऑपोजिट कास्ट करने की बात थी। भूमिका ने बताया कि करीना नहीं बल्कि वो थी इस फिल्म की पहली चॉइस और इस फिल्म का टाइटल जब वी मेट नहीं बल्कि ट्रेन रखा गया था। भूमिका ने बताया कि जब प्रोडक्शन हाउस बदला तो भूमिका को शाहिद के ऑपोजिट पेयर किया गया। इसके बाद भूमिका की जगह आयशा टाकिया को रिप्लेस किया गया, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी। इसके बाद मेकर्स की फाइनल चॉइस बने करीना कपूर और शाहिद कपूर। भूमिका ने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने करीब एक साल का इंतजार किया था और उन्होंने कोई दूसरी फिल्म साइन भी नहीं की। इस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में भी कमर्शियल मास फिल्मों के लिए एक्ट्रेस की सेल्फ लाइफ तय होती है। उन्होंने कहा, हीरो आज भी हीरो का रोल निभाते हैं और फीमेल काफी पीछे चली जाती है। इंडस्ट्री में बदलाव की जरूरत है, ऑडियंस ये नहीं कर सकती। अगर हम कुछ बदलते हैं तो ऑडियंस इसे स्वीकार करेगी, अगर हम बदलेंगे नहीं तो वो स्वीकार ही कैसे करेंगे। बता दें कि जब वी मेट ही वो फिल्म थी जिसके सेट पर शाहिद कपूर और करीना कपूर की लव स्टोरी का दी एंड हुआ था। कहा जाता है कि उस फिल्म के सेट पर ही दोनों का ब्रेकअप हुआ और दोनों की राहें अलग हो गई थी। वहीं भूमिका चावला की बात करें तो वो साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। एक्ट्रेस ने साल 2000 में फिल्म युवा कुदु से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक साउथ की फिल्म खुशी में काम किया। इस फिल्म से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। साउथ में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बाद उन्हें सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म तेरे नाम में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद तो उनका करियर आसमान छूने लगा। इसके बाद भूमिका अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म रन में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं सकी। इसके बाद भूमिका ने सिलसिले दिल जो भी कहे जैसी फिल्म की, लेकिन उन्हें तेरे नाम वाली सफलता हासिल नहीं हो सकी। भूमिका ने जितनी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की उतनी ही जल्दी वो इंडस्ट्री से गायब होती चली गई, लेकिन अब वो लंबे समय बाद सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आई है। फैंस फिल्म देख उनकी एक्टिंग की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।